बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये देख लें, ये मेरे पास जो है ना योग का फ्रंट योग है, ठीक है, फ्रंट योग का पीस है। और ये एक्चुअल जो है ना साड़ी जो थी ना, साड़ी का फ्रंट योग का फ्रंट है, ठीक है। और इस पर वर्क देख लें, फुल सीक्वेंस का वर्क हुआ है, जरी का वर्क है। ये करीब से मैं आप लोगों को इसका वर्क शो कर रही हूँ, ठीक है। ये इस तरह से ना इस पर वर्क हुआ है, प्योर शिफॉन पे है ये। ये देखें इसकी एम्ब्रॉयडरी आप लोग देख लें। अच्छा इसकी जो है मेजरमेंट्स है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसकी मेजरमेंट्स क्या है। यानी कि फ्रंट साइड है और इसकी बैक नहीं है मेरे पास, ठीक है ना, लेफ्ट ओवर में है। और यार इसकी जो है ना ऑलमोस्ट 25 के करीब करीब है, ठीक है, 25 के करीब करीब है। अच्छा बाज़ लोग जो है ना वो मेजरमेंट्स करते हैं, ये फैब्रिक बिछा हुआ है ऐसे बिछा कर और उसके ऊपर ऐसे इंची टेबल रख के ऐसे मेजरमेंट्स करते हैं, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। थोड़ा सा कपड़े को पकड़ के फिर मेजरमेंट्स की जाती है। ट्वेंटी टू तक है, ठीक है, 22 तक इसकी लेंथ है और 24.5 समझ लें इसकी वेज है, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा इसको खींच के करती हूँ तो फिर 25 पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये फ्रंट साइड है, ठीक है, तो ये आप लोगों को ना 300 में मिलेगी, ठीक है। अगर इसकी बैक साइड भी आ जाती है ना मेरे पास तो यही आपको फिर साड़ी की जो योग है ये फिर आपको एक्सपेंसिव मिलती, ठीक है। महरून सा कलर है, बहुत ही प्यारा सा खिलता हुआ सा। अच्छा ये मेरे पास है साड़ी का पीस, ठीक है। और इसमें ना यार आप लोग फ्रंट बैग बना सकते हैं, ठीक है, फ्रंट बैग इसमें आप लोगों का बनेगा। और इसका जो फ्रंट साइड है वो फ्रेश है, जो बैक साइड आपको मिलेगी वो डिफेक्टेड है। वहाँ पर ना छोटे छोटे से हॉल्स हैं थोड़ी जगह पर, ठीक है, तो वो आप या तो सुई से ही कवर कर लीजिएगा या उसे इस तरह के सीक्वेंस लगवा लेना। अच्छा इसकी मैं आपको बता देती हूँ, 28 है, ठीक है, वन साइड की बता रही हूँ, फ्रंट की 28, इसी तरह से बैक की भी 28 होगी, ठीक है। विद ये हो गई और लेंथ में बता देती हूँ कि लेंथ कितनी है। ये साड़ी का पीस है, ठीक है, इसकी लेंथ बता देती हूँ, इसकी लेंथ कितनी है। अगर किसी की लेंथ शॉर्ट होगी ना तो ऊपर से आप लोग स्लीव्स भी इसमें मैनेज कर सकते हैं। यार ये देखिए 55 तक जा रही है इसकी लेंथ और एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट तक 52, ठीक है, नीचे तक 55 है। साड़ी का ये पीस है, अगर किसी को इसकी मॉडल पिक चाहिए ना तो मॉडल पिक मैं आप लोगों को दे दूँगी इसकी, ठीक है ना। और इस पर वर्क देख लें, ये इसका बॉर्डर बना हुआ है फुल जरी पे और सीक्वेंस पे इसका बॉर्डर है। और दरमियान में ये देखें इस तरह से ना मोटिव्स बने हुए सीक्वेंस के, ठीक है। अच्छा बैक साइड पे जो डिफेक्ट बता रही थी मैं आपको, वो मैं आपको शो कर देती हूँ वो किस तरह से डिफेक्ट है। यार मुझे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो ना ये इन सीक्वेंस के बिल्कुल साथ साथ ही है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से है। ये देखें इस तरह से है, ये है ना सीक्वेंस के साथ इस तरह से है डिफेक्ट, ये देखें, ठीक है, ये देखें यहाँ पर, यहाँ पर, ये देखें इस जगह पर। तो आप लोग है ना इस डिफेक्टेड पार्ट का आप लोग फ्रंट बैक साइड बनाइएगा और फ्रंट साइड की जो है ये फ्रेश वाला बनाना, ठीक है। या आप किसी बच्ची का अगर बनाते हैं ना स्मॉल साइज़ की तो उसके ऊपर से स्लीव्स भी मैनेज हो जाएंगी। ये आपको जो है ना 1400 में ये वाला पीस मिलेगा, 1400 में ये मिल जाएगा और बहुत ही प्यारा सा है। अगर किसी को मॉडल पिक चाहिए तो इसकी मॉडल पिक भी आप लोगों को मिल जाएगी, ये देखें। अच्छा एक ये देख लें, ये आप लोगों को फ्रंट साइड दे रही हूँ मैं, ठीक है, ये देखें फुल इस तरह से ना इस पर मोटिव्स बने हुए, ये देखें
प्योर के, जरी के हैं मोटिव। ये फ्रंट है, ये फ्रंट साइड, और ये बैक इसकी मैं आप लोगों को प्लेन दे रही हूँ, ये आप लोग डाई करवाएंगे ठीक है। और इसके साथ ये वाली मैं आप लोगों को स्लीव्स दे रही हूँ, स्लीव्स भी आप लोग डाई करवाएंगे ठीक है, बैक के साथ ही डाई करवा लीजिएगा। और इस पर थोड़े से सीक्वेंस स्लीव्स पे मिसिंग है, मिक्स मैचिंग में मैंने ये यानी कि बनाई है फुल शर्ट, लेकिन ये लगेगी बहुत ही खूबसूरत ठीक है, क्योंकि इसकी स्लीव्स जो है ना काफ़ी हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड है। ये देखें, ये इसकी है स्लीव्स, इस पर वर्क देख लें इस तरह से ना फुल वर्क हुआ है सीक्वेंस का और जरी का। ये देखें ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आपको ना थोड़े से सीक्वेंस लगवाने पड़ेंगे, ये देखें इतने पार्ट पे यहाँ पर सीक्वेंस लगेंगे ठीक है। और ये स्लीव्स इस बैग के साथ आप लोग डाई करवा लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत से स्लीव्स है और काफ़ी हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स हैं। और ये वाले पैच हैं इसके साथ ठीक है, ये देखें ये एक पैच, एक पैच ये है और एक पैच ये आपको मिल रहा है इसके साथ का, एक पैच ये है ठीक है। ये तीन पैच आप लोगों को इसके साथ दूंगी, ये बैक का पीस और वो स्लीव्स का, ये आप लोगों की फुल शर्ट मैनेज हो जाएगी ठीक है। ये जस्ट मैं आप लोगों को 1600 में फुल शर्ट दे रही हूँ ठीक है, 1600 में फुल शर्ट आप लोगों को दे रही हूँ, है ये वैसे बहुत ही प्यारी सी। अच्छा एक ये देख लें, ये मेरे पास जो है ना पूरा 2.5 गज का फैब्रिक है ठीक है, ये देखें। अच्छा 2.5 गज का फैब्रिक जो है ना, ये थोड़ा सा प्लेन पार्ट है इसमें, इस प्लेन पार्ट को अगर हम मिलाते हैं ना ये पूरा 2.5 गज का है, अगर इस प्लेन पार्ट को स्किप करते हैं ठीक है तो ये 2.25 गज से थोड़ा सा यानी कि ज़्यादा होगा, 2.5 गज से थोड़ा सा कम, 2.25 से थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक ठीक है। इसमें ना आप अपनी पूरी जैसे दुपट्टा बना सकते हैं ठीक है, बाहर आने जाने के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस पर फुल थ्रेड वर्क हुआ है ठीक है। एज अ शॉल इसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे है ये पूरा ठीक है, और काफ़ी हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड है। ये देखिए मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ, जैसे आप है ना एज अ शॉल वेयर कर सकते हैं, ये देखें ये देखें ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सी है। शर्ट बनाना चाहें इसमें शर्ट बना लें, अगर आप लोगों ने इसको एज अ शॉल दुपट्टा वेयर करना है तो इस तरह से आप लोग वेयर कर सकते हैं। और ये आपको जो है 1800 में जस्ट दे रही हूँ। अच्छा एक ये देख लें, ये भी ऑर्गेन्जा पे है ठीक है, ये देख लें बहुत ही प्यारा सा है ये, इस तरह से दोनों साइड पे बॉर्डर है इस तरह से ठीक है, डाइएबल है, डाई करवाना चाहे डाई भी हो जाएगा, ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे है ये, इस तरह से छोटे बड़े इसमें मोटिव्स हैं, ये देख लें थ्रेड के जरी के सीक्वेंस का वर्क हुआ है और इस साइड पे भी बॉर्डर है। ये वाला यार अगर आपने फ्रंट लेना है तो फ्रंट मिल जाएगा ठीक है, 800 का ही आपको फ्रंट मिलेगा ठीक है। और अगर ये पूरा पीस जो है इसमें फ्रंट बैक बन जाएगा, आप लोगों ने करना क्या, वो वाला बॉर्डर उतार के इस वाली साइड पे अटैच कर लेंगे ना तो ये आप लोगों का फ्रंट मैनेज हो जाएगा ठीक है। ये मेरे पास है ना 2 फ्रंट से थोड़ा सा ज़्यादा ही है फैब्रिक, अगर ये पूरा पीस आप लोगों को चाहिए ठीक है तो ये आप लोगों को जो है 1400 में मिल जाएगा पूरा पीस, अगर ईच फ्रंट चाहिए तो ईच फ्रंट आपको 800 में मिलेगा ठीक है। यार मैं आपको वैसे एक फ्रंट की मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि एक फ्रंट की मेजरमेंट्स कितनी निकलेगी, थर्टी टू तक निकलेगी ठीक है, 32 निकलेगी वन साइड की (clears throat)
अच्छा एक ये देख लें, एक ये है मेरे पास सेंट्रल पैनल, ये भी बहुत ज़्यादा मेरे पास आए थे, ठीक है। ये देखें, ये सेंट्रल पैनल है, ये वाला सेंट्रल पैनल जिससे चाहिए आप लोगों को 500 में मिल जाएगा। इसकी नेकलाइन देख लें, इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी नेकलाइन एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है यार, 500 में जस्ट ये मिल जाएगा। अच्छा एक ये देख लें, ये बॉटल ग्रीन कलर में मेरे पास प्योर शिफॉन का फ्रंट है, ये देखें, ये इसका बॉर्डर है, बहुत ही प्यारा सा, काफ़ी हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड, ठीक है, और ऊपर इसकी इस तरह से नेकलाइन बनी हुई है, ये देखें, ये इसकी नेकलाइन है। ये वाला फ्रंट आपको 1200 में मिलेगा। चलिए ठीक है, अगर किसी को कुछ समझ में आए तो काइंडली स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे आ जाएगा।